आपसे स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिक एडिक, जहाँ पे आपको फ्री होकर मिलता है। तो फाइनली कल तुम्हारा हिंदी का पेपर है, ठीक है। डर लगा होगा, डर डर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट मिनट एक वीडियो है, ठीक है। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको बताने वाला कि क्या क्या चीज़ें हमें एग्जाम से पहले ध्यान में रखनी होती हैं कि हम पेपर में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुमको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी की बात करें, ठीक है। कल है तुम्हारा पेपर, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे उम्मीद अच्छे जा रहे होंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है, कमेंट करके बताना। तो पहला चीज़ जो आती है वो है तुम्हारा ग्रामर के कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रामर के कॉन्सेप्ट। जितना भी पढ़ा है अभी तक उतने में सीमित रहो, आगे की बढ़ने मत कोशिश करो, ठीक है। जो तुम्हें आता होगा वो तो तुम पढ़ रखे हो, जो नहीं आ रहा उसको भी पढ़ने जा रहे हो, तो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बड़ा जो आता था तो कम से कम रिवाइज कर रखा है, उसको एक बार और रिवाइज कर लो तो अच्छे से आ जाएगा। मीन्स उसमें तुम 100% लेके आओगे, ठीक है, नहीं तो वो 50 और 40 का बन जाएगा ये, ठीक है, 50-50 का बन जाएगा। तो इससे क्या है, तुम्हारा मार्क्स गिर सकता है, कम हो सकते हैं। तो जितना अब तक पढ़ा है, ठीक है, उतना ही पढ़ो, आगे की चीज़ों को छोड़ दो, जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज करो। दूसरी चीज़ जो तुम्हारी आती है वो ग्रामर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ग्रामर में मेनली यही चीज़ होती है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं याद होता कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास है। मैं देखो समाज में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं शायद एग्जाम ये वाला आ रहा है चैप्टर में नहीं आ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है तुम्हारी लिटरेचर की, ठीक है। भैया लिटरेचर में हमें क्या ध्यान रखना है, लिटरेचर में राइटर का नाम याद रख लेना, ठीक है, राइटर नेम, कि उस पोयम या उस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, ठीक है। और अगर पोयम है तो उसमें पोयम है तो उसकी मीनिंग, जैसे कि पैराग्राफ है उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, क्योंकि वो पैराग्राफ उठा के ले लेंगे और उसमें से तुमको बीच बीच से क्वेश्चन निकाल के देंगे। तो पोयम के पैरा की मीनिंग जान लेना, पैरा की मीनिंग, क्योंकि जो पैरा उसी के बीच में से आ जाएंगे क्वेश्चन। पूरा पैरा दे देंगे 4 लाइन का, बता देंगे भैया इसमें से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा लिटरेचर में। फिर आता है तुम्हारा क्या है, वर्ड मीनिंग तो वैसे नहीं आती है, ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया। रीडिंग सेक्शन में क्या करना वो तो तुम्हें पता ही है, सिर्फ रीड करना है, मुश्किल से मुश्किल उसमें 5 से 10 मिनट देना। और रीडिंग सेक्शन को देखो, जो तुम्हारा 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, प्लीज़ उसमें पढ़ना नहीं पढ़ना। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें क्या करना है तुम्हें, रीडिंग सेक्शन का ए पार्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उनको पहले की 3 लाइन में दिया होगा, पक्का है ये, पहले की 3 लाइन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना और पहले की 3 लाइन में आंसर ढूंढ लेना, फिर उसके नीचे थोड़ा जाना और उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, फिर आखिरी तक ऐसे करते जाओगे तो तुमको सारे आंसर मिलते जाएंगे। अब तुम एक बार पढ़ोगे पहले पूरा पैरा, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसमें से ढूंढोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए इस रीडिंग सेक्शन में इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर तुम्हारा आता है कि ग्रामर में तुम्हारा जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो गया, मेन होता है तुम्हारा फॉर्मेट, ठीक है। जैसे कि अगर जो भी तुम्हारा राइटिंग पार्ट है उसमें फॉर्मेट लिखना, फॉर्मेट ही आकर भाई यहाँ पे ये चीज़ कौन सी होगी, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि तुमको पैटर्न कैसे फॉलो करना है। अब देखो ये कोई सब्जेक्टिव पैटर्न नहीं कि तुम पीछे से या ऊपर से करो, कोई इसमें नहीं है, पूरा MCQ है। तो तुम इतना पता है जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है इसमें क्या करना है, जो भी तुमको क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छी तरीके से उस पर डबल टिक लगा के पेंसिल से ऑप्शन पर टिक मार्क लगा लो, ओके। जो नहीं आ रहा उस पर 1 टिक मार्क लगा लो, कि तुम्हें पता है कि भाई अगर इसको सोचेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा आंसर। जो बिल्कुल ही नहीं आता उसको गोला मत लगा लो, जैसे कि जो तुम 15 मिनट का रीडिंग टाइम तुमने यूटिलाइज़ कर लिया, अब जो आगे का टाइम आएगा उसमें जल्दी से तुम जितने डबल मार्क वाले टिक लगा दो, भर दो, कन्फर्म हो। जो नहीं आ रहे उनको सोचो पहले, ठीक है। अब आखिरी के 10 से 15 मिनट बचा लेना, अरे 15 से 20 मिनट कह लो तुम, 10 से 15 कह रहे हैं, 15 से 20 मिनट कह लो, ये बचा के रखना आखिरी वाले क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल नहीं आते। फिर इसमें सोचना, टाइम लगाना, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये वाले तो अच्छे हैं ना, ये तुमने कर लिए तो तुम्हारा मार्क्स जहाँ पे 30-40 आ रहा था वहाँ पे तुम्हारा साइड नीचे गिर जाता, ठीक है, 20 गिर जाता अगर तुम इसमें टाइम लगाते। तो इसलिए इसको करने की कोशिश करो, इस तरीके से तुमको एग्ज़ाम का पैटर्न को फॉलो करना है, अटम्प वन में 98%+ लाने हैं, ठीक है। और आखिरी चीज़ वही बता दो, जितना अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़ो, उसके चक्कर में तुम जो आता है वो भी भूल जाओगे। इसलिए जो भी आता है उतना ही पढ़ो, रिवाइज करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अगेन। और बताना कमेंट करके कि तुमको कितना हुआ और कितना परसेंटेज आया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।